हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 1.5 से 2.5 साल के लिए इस फ्रॉक को बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर सभी वेस्ट मटेरियल को लिया है। मैंने इस वीडियो में लहंगा चोली बनाना बताया था, जिसमें से नेट बचा और थोड़ी सी लाइनिंग बची, तो मैंने वही लिया है। अगर आप ये लहंगा चोली बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए मेरे दूसरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिनी क्लासेस ट्यूटोरियल के नाम से मेरा चैनल है, वहाँ पे आप इस तरह की ड्रेसेस बनाना सीख सकते हैं। और अगर आप अलग से फैब्रिक लेते हैं तो आपको नेट लगभग 2.5 मीटर चाहिए होगा और लाइनिंग आपको 1 मीटर लेनी होगी। मैंने यहाँ पे लाइनिंग का सिंगल पीस लिया है, इसे सेंटर से फोल्ड करना है। इसी तरह से आपको लाइनिंग के 3 पीस लेने हैं, 1, 2, 3, ये 3 और 1, 4, 4 पीस लिए हैं, बिल्कुल एक बराबर से रखने हैं। इसकी लेंथ आपको लेनी है टोटल 6 इंच। फिर आप एक अलग से स्ट्रैप के लिए कपड़ा लें, इसकी विड्थ मैंने ली है 4.25 इंच। इस कपड़े को सेंटर से फोल्ड कर दें और इसमें यहाँ से सिलाई लगाएंगे। अब इसको यहाँ से सीधा कर देंगे। जॉइंट वाला हिस्सा ऐसे सेंटर पे रखेंगे। यहाँ से 7 इंच की लेंथ पे स्ट्रैप कट करेंगे। फिर पहले एक कपड़ा लेंगे, इसको पहले हम ऐसे ही रखेंगे नेट को। यहाँ सेंटर से 3 इंच पे निशान लगा देंगे और स्ट्रैप को ऐसे रख देंगे। फिर इधर भी सेंटर से 3 पे लगा देंगे निशान। फिर इसके ऊपर दूसरा पीस रख देंगे और यहाँ से अटैच करेंगे ऐसे। अब इसको यहाँ से पलट देंगे। अब इसमें ऐसे प्लेट्स बनाएंगे। ऐसे बना के इधर से सिलाई लगा देंगे और इधर से। फिर यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा नेट है उसे कट करेंगे। फ्रेंड्स, जब हम ये नेट अटैच करेंगे तो जो हमने ये वाला पीस लगाया है इसको हटा देंगे। ये मैं आपको बताना भूल गई थी, लेकिन आपको इसको ऐसे ही ऊपर रखना है, उसके बाद ये नेट ऐसे लगानी है। अब इसको यहाँ पर ऐसे कर देंगे। फिर आपको बाकी के 2 पीस लेने हैं, इसमें भी सेम इधर से 3 इंच पे लगा देंगे सेंटर से और यहाँ से 6 इंच पे। यहाँ से आपको नेट ये ऐसे रखनी है। फिर ये पीस आपको यहाँ से ऐसे रखना है उल्टा। यहाँ पे स्ट्रैप ऐसे रख के पिन से सेट कर देंगे। फिर आपको दूसरा पीस लेना है और इसके ऊपर ऐसे रखना है बराबर से। यहाँ से सिलाई लगा देंगे। अब इसको यहाँ से सीधा कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा नेट है उसे कट करके निकाल देंगे। अब देखिए, इसको यहाँ से ऐसे कर लेंगे उल्टा। फिर यहाँ से सिलाई लगाएंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। और मैं आपको बता दूँ इसमें फ्रेंड्स, मैंने इस कपड़े की चौड़ाई टोटल 13 इंच ली है। दोनों तरफ से सिल दें। अब इसे यहाँ से सीधा कर दें। अब एक स्क्वायर शेप में आपको पीस लेना है कपड़े का, इसे पहले सेंटर से फोल्ड कर दें। फिर एक बार और सेंटर से फोल्ड करें। इस कपड़े की लेंथ 15 इंच है और इस कपड़े की विड्थ भी देखिए 15 इंच है।
यहाँ से इसकी वेस्ट नाप लेंगे तो ये आ रही है 11.5 इंच। 11.5 को हम ऐसे हाफ कर देंगे तो ये आया 6.25 इंच। यहाँ से ऐसे गोलाई में 6.25 इंच नापेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 6.25 इंच, यहाँ पे निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पे इसकी लेंथ 3 इंच आ रही है तो यहाँ से 3 इंच पे लगा देंगे। फिर इसकी यहाँ से लेंथ 12 इंच है तो यहाँ से भी 12 पे लगाएंगे। अब इसको यहाँ से ऐसे पलट लेंगे, बराबर से कटिंग कर देंगे। इसमें नीचे से पूरे कपड़े को ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे नेट लिया है और देखिए नेट में जो किनारी बनी है इसे कट करके निकाल देंगे। और मैंने आपको बताया ये तो मैंने लहंगे में से ही नेट निकाला है जो बचा हुआ था, तो मेरी स्ट्रिप यहाँ पे कटी हुई है। इसकी लेंथ 10.5 इंच है। अगर आप अलग से लेते हैं तो आप जितनी लेंथ में रखना चाहते हैं फ्रॉक उसी के अकॉर्डिंग लेंथ में कट करें। और ये मेरे पास लगभग 5 मीटर की लेंथ में है कपड़ा। इसकी जो लेंथ है पूरा घेर है वो 5 मीटर की लेंथ में है। अब यहाँ से सिंगल लेयर रखेंगे, यहाँ से इसको ऐसे रखा है सिंगल लेयर। अब आपको ऐसे देखिए ऐसे महीन महीन गैदर बनानी है और सिलाई लगानी है। देखिए फ्रेंड्स पूरे में ऐसे गैदर बना दी है। अब आपको इधर से फोल्ड करना है और इसको हम इस तरफ से भी यहाँ से भी सिलाई लगा देंगे। अब आपको लाइनिंग खोल के रखनी है और इसके ऊपर ये वाली स्कर्ट ऐसे रखेंगे फैला के सेंटर से, फिर इसमें यहाँ से सिलाई लगा देंगे। अब इसको चोली के साथ अटैच कर देंगे, यहाँ से चोली ऐसे रख देंगे। जो अंदर वाली लाइनिंग है ये वाली लाइनिंग को पहले हम ऐसे छोड़ देंगे। अंदर वाली लाइनिंग ऐसे हटा दी है और सिर्फ आपको ऊपर वाली नेट लेनी है और एक लाइनिंग की लेयर लेनी है। पहले इसको यहाँ से मिलाते हुए राउंड में अटैच कर देंगे। देखिए इस तरह से एक नेट और एक लाइनिंग को मैंने ऐसे मिलाया और इसको ऐसे अटैच कर दिया। और जो अभी एक लाइनिंग का ये वाला पीस है इसको अभी ऐसे ही छोड़ देना है। तो पहले इसको अटैच कर दिया है और यहाँ से देखिए अभी एक लाइनिंग का पीस छोड़ दिया है ऐसे नीचे के लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, जो जॉइंट है इसी से बराबर मिलाएंगे। इसके जॉइंट को आमने सामने मिलाएंगे, 1/2 इंच कपड़ा ऐसे फोल्ड कर देंगे और फिर ये जो सीम अलाउंस का मार्जिन है इसको इधर के लिए रखेंगे इस तरह से, जिससे अंदर से भी इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ऐसे हमें इसको कवर कर देना है, सुई में धागा डाल लें सेम कलर का और यहाँ से इसमें हेमिंग कर देंगे, मतलब इसमें तुरपाई करके ऐसे कवर करेंगे। 1/2 इंच कपड़ा फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से देखिए फिनिशिंग आएगी। तो ऐसे हम पूरे में कर लेंगे, ये पूरा फिनिश कर दिया है और इसमें बैक साइड से भी देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। आपको सीधी पट्टी लेनी है, ये देखिए यहाँ से फोल्ड है। इसकी विड्थ आपको 3.5 इंच लेनी है और इस कपड़े की हाफ लेंथ है 28 इंच। अब ये पहले यहाँ से कपड़ा 1/2 इंच फोल्ड कर दें, फिर इसको इधर से 1/2 इंच फोल्ड कर लें और इधर से भी 1/2 इंच फोल्ड कर दें, फिर इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे। पहले इधर से सिलाई लगाएंगे, ऐसे बराबर करके सिलाई लगाएंगे किनारे से।
अब इसमें फ्लावर बनाएंगे तो उसके लिए आपको कागज का एक पीस लेना है और सेंटर से फोल्ड करके ऐसा पेटल का शेप देंगे। फिर देखिए आपको यहाँ पे ऑर्गेन्जा फैब्रिक लेना है और ऐसे इसको फोल्ड करना है। फिर इस कॉर्नर पे पेटल को रख के इसकी शेप इसी शेप में कटिंग कर देंगे। और यहाँ पर मैंने बड़े छोटे करके कुछ 4-5 पीस कट कर लिए हैं। फिर इनको एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखेंगे और सुई धागे को सेंटर वाले पोर्शन से निकाल लेंगे जिससे इसका सेंटर पॉइंट मिल जाएगा और कट कर देंगे। फिर इसको बहुत ही केयरफुली बीच से ओपन करेंगे और जो बीच का कटिंग वाला पोर्शन है उसके चारों तरफ सुई धागे से बड़े बड़े टाके मार देंगे। फिर देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह की बीड्स ली हैं, ये मैंने हाथ से बनाई हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, वरना आपको ये रेडीमेड मार्केट में भी बनी बनाई मिल जाएंगी। और यहाँ पे आपको ये सेंटर पे इंसर्ट करनी है, फिर वही धागे जो हमने बीच में स्टिचिंग करी थी उनको खींच लेना है, फिर इसको अच्छे से टाका मार के सिलाई कर देनी है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो भी धागे हैं उनको कट कर देना है। और देखिए ये हमारा फ्लावर तैयार है। इस तरह से आपको 2-3 और फ्लावर बना लेने हैं। अब इनको रिबन के ऊपर अटैच कर देंगे। तो ये तीनों फ्लावर हमने बना लिए हैं। अब इस रिबन को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। ये जॉइंट देखिए इसका सेंटर मार्क है, तो सेंटर पे हम इन तीनों फ्लावर को अटैच कर देंगे। अब इस फ्लावर को सुई धागे से यहाँ पर सिल देंगे। तीनों ही फ्लावर मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स आपको साइड में लूप बनाकर अटैच कर देना है फ्रॉक में। दोनों साइड मैंने अटैच कर दिया है। अब इसमें ये रिबन डाल देंगे। अब ये फ्रॉक पूरी कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। अगर मेरा आज का ट्यूटोरियल आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को प्लीज़ जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी और नई वीडियोस देखने के लिए घंटी के आइकन पर क्लिक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।